नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाले 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी इसमें एक व्यक्ति का नाम दे रखा सुब्बा राव। उसने जॉब स्टार्ट की 1995 के अंदर, और उसका जो पहला पेमेंट था 5,000 रुपये के मासिक वेतन, यानी उसको एक महीने का 5,000 रुपये वेतन मिलता था, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी उसके प्रत्येक साल कितने रुपये में बढ़ोतरी हुई, उसके 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई, यानी प्रत्येक साल उसके 200 रुपये बढ़ते गए। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? इसमें आपको बताना है कि कौन से वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया होगा, ये आपके जो एपी वाला प्रश्न है, इसमें ए का मान, डी का मान, अंतिम पद सब दे रखा है। इसमें आपको पूछ रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए आपको पहले दोबारा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखो बच्चों, 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य किया, यानी उसको पहली बार कितना पेमेंट मिला, 5,000 रुपये। तो हम इसको ए का मान मान सकते हैं 5,000 रुपये। इस ए का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई, यानी जो इसका अंतर है बढ़ता गया कितने का, 200 रुपये का। इसे हम सार्व अंतर यानी डी का मान लिखेंगे, कितना, 200 रुपये। इस प्रकार आपके पास में ए का मान 5,000 आ गया और इसका सार्व अंतर 200 रुपये हमें मिल गया, ठीक है। किस वर्ष में, आपको इसमें एन का मान ज्ञात करना है, कौन से वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। इसका लास्ट वाला पद दे रखा है कितना, 7,000। इतना करने के बाद में आपको इन मानों को फिट करना है एपी के जो फॉर्मूला है उसके अंदर। आप सभी को पता है फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। यानी इसमें आएगा पहले अंतिम पद, इसमें अंतिम पद कौन सा है, 7,000। तो मैंने यहाँ पर लिखा 7,000, आगे साइन है बराबर का। अब लिखेंगे बच्चों ए का मान, और ए का मान हमारे पास में है 5,000, आगे साइन है प्लस का। एन का मान तो ज्ञात करना है, हम लिखेंगे एन माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा डी का मान। हम देखते हैं डी का मान कितना है, 200 है, ठीक है। अब आगे उतारेंगे 7,000, इसके बराबर में दे रखा है 5,000, इसका करेंगे पक्षांतरण। आप जानते हो किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। देखो इधर प्लस का 5,000 है, तो किसको हो गया बच्चों, माइनस का हो गया 5,000 पक्षांतरण करने पर, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है एन माइनस वन और इनटू में है 200। अब बाकी करेंगे, 7,000 में से घटाते हैं 5,000, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2,000, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे एन माइनस वन, अब देखो यहाँ पर 200 इंटू में है, इसको हम नीचे लेकर आएंगे, भाग में हो जाएगा 200, ठीक है। अब लिख सकते हैं एन माइनस वन कितना है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब कितना बचा ऊपर, 20 बच गया, और 20 में 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया 10, ठीक है। ज्ञात करना है एन का मान, हम लिखेंगे एन बराबर कितना है बच्चों, 10 है। इस माइनस एक का करो पक्षांतरण, ये प्लस का हो गया एक पक्षांतरण करने पर। एन बराबर कितना आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 11, ठीक है। इस प्रकार हमें एन का मान 11 प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में पढ़ते हैं किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो गया यानी 11वें वर्ष, हम लिखेंगे 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। आप एक काम कर लेना, 1995 दे रखा था, उसमें आप कितना ऐड करोगे, 11 वर्ष ऐड कर लेना, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न हल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।